हेलो दोस्तों, आपने केंचुआ बरसात के दिनों में गीली मिट्टी पर रेंगता हुआ देखा होगा। केंचुए के शरीर में लगभग 100 से 120 तक खंड होते हैं। केंचुए को यदि जमीन से बाहर निकालकर देखा जाए तो इनका रंग हल्का पीला दिखाई देता है। केंचुए पृथ्वी के अंदर लगभग 1 या 1 फुट की गहराई तक रहते हैं। यह अधिकतर पृथ्वी पर पाए जाने वाली सड़ी पत्ती, बीज, छोटे कीटों के लार्वा, अंडे इत्यादि खाते हैं। केंचुए किसानों के सच्चे मित्र और सहायक हैं। इनका मिट्टी खाने का ढंग लाभदायक है। ये पृथ्वी को एक प्रकार से जोतकर किसानों के लिए उपजाऊ बनाते हैं। वर्षा ऋतु में जब केंचुए के बिल में पानी भर जाता है तो केंचुए बाहर निकल आते हैं। तब ये बिल बनाने के लिए मिट्टी खाना प्रारंभ कर देते हैं। मिट्टी के अंदर जो पोषक वस्तुएं होती हैं उन्हें इनकी आंतें ग्रहण कर लेती हैं। शेष मिट्टी मल द्वार के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। बाहर निकाले गए मल को वर्म कास्टिंग कहते हैं, जो खेतों के लिए खाद्य के रूप में कार्य करती है। इस प्रकार वे मनुष्य के लिए पृथ्वी को उपजाऊ बनाते रहते हैं। यदि इनको पूर्ण रूप से पृथ्वी से हटा दिया जाए तो हमारे लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में बहुत मज़ा आया होगा, तो जल्दी से जल्दी हमारी वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप जल्दी से जल्दी देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।